सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज लविश मथानी। मैं एक्सेल में कंपनी सेक्रेटरी का और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फैकल्टी हूं। आज मेरे साथ यहां पर कनक जेठानी है, जो कि हमारे एक्सेल से CS प्रोफेशनल में ऑल इंडिया 7th रैंक अचीव किए हैं। इन्होंने CA फाउंडेशन में भी 12th रैंक और CS एग्जीक्यूटिव में भी 13th रैंक लाया था। सो शी हैज़ रियली मेड एक्सेल प्राउड। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कनक अपने सक्सेस टिप्स या अपने सक्सेस के जो पिलर्स हैं वो सारे CS एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सके। इसलिए मैं कनक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी स्टूडेंट्स को बताएं कि प्रिपरेशन आपकी दूसरों से किस प्रकार अलग या कितने हद तक दूसरे लोगों के जैसी ही थी। थैंक यू सर। प्रिपरेशन में हम लोगों को बेसिकली ये देखना है कि क्लास के टाइम हम क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सेल्फ स्टडी के टाइम क्या कर रहे हैं, देन हम एग्ज़ाम में उसको कैसे लेकर आ रहे हैं वापस। तो सबसे पहले क्लास के टाइम की अगर बात करें तो मेरा ये मानना है कि कभी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक क्लास जो हम मिस करते हैं वो एग्ज़ाम में जाके हमारे 10-10 नंबर ले जाती है। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की थी एग्जीक्यूटिव टाइम में, जब मैंने टैक्स की कुछ क्लासेस मिस कर दी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन 15 मार्क्स के आ गए थे, तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा था। देन आई डिसाइडेड कि मुझे क्लासेस जितना हो सके कम से कम मिस करनी है। नेक्स्ट, जब क्लासेस के टाइम में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन हम नेक्स्ट डे करते जाएँ। टेस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्ट हमारी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होते हैं। जैसा हम टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं वही हम एग्ज़ाम में करके आने वाले हैं। ये सोच के हमको हर टेस्ट देना है, उतनी सीरियसनेस के साथ देना है, तब जाके हमको पता चलेगा कि हम एक्चुअली कितने प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम के लिए। देन जब सेल्फ स्टडी की बात आती है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि 14 घंटे पढ़ो 15 घंटे पढ़ो, बट इतना देखिए कि जितनी देर आप पढ़ रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव रहे। आपके सेल्फ नोट्स बहुत जितना हो सके शॉर्ट और सिर्फ ऐसे बनाइए जो सिर्फ आपको समझ आए, तो क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के बीच में कोई गैप नहीं होता, तो पूरा कोर्स हम इतना सारा कैसे कवर करें एक दिन में। तो जितने शॉर्ट नोट्स होंगे जिनको हम जल्दी जल्दी पढ़ पाएँ उतना अच्छा। एंड रिविज़न, मैं ये बोलूँगी कि रिविज़न सबसे फ़न पार्ट होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ने में 3 से 4 घंटे लगाते हैं, देन रिविज़न में हम लोग टाइम सेट कर, मैं हमेशा टाइम सेट करके रिविज़न कर दी थी कि 4 घंटे मैंने जिस चैप्टर को दिए। अच्छा, कनक आप सेल्फ स्टडी कर मतलब अकेले में पढ़ाई करते थे कि ग्रुप स्टडी वगैरह करते थे? दिन में 5 से 6 घंटे अकेले, फिर 1-2 घंटा किसी फ्रेंड से डिस्कस करना या मिल के बैठ के। जब एक्सेल आते थे तो साथ में डिस्कशन भी करते थे। हाँ सर। और प्रिपरेशन लीव कितने महीने की जरूरी है अगर सारे ग्रुप्स का एग्जाम देना है तो? आई थिंक 3 महीने मेरे लिए काफ़ी थे 3 ग्रुप प्रिपेयर करने। और कितनी बार आपने रिवाइज किया चीज़ों को? ऐसे तो मैं जिस दिन पढ़ रही हूँ उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करती थी। ओके। देन उसी चीज़ को एक बार वीकेंड पर रिवाइज करती थी। हाँ। देन फोर्टनाइटली, और उसके बाद पूरा कोर्स खत्म करने के बाद एक रिविजन किया था। अच्छा, ऐसा कभी होता है क्या कि जितना स्टडी मैट है या पूरे नोट्स आपको जो कोचिंग से मिले हैं वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से तैयार ना हो सके, पर जितना हमको आता है वो बहुत अच्छे से आता है? मतलब अगर स्टूडेंट के पास ये डिलेमा है कि मैं पूरा पढ़ पाऊंगा कि नहीं, वो पूरे को चेस करे कि जो उसको आता है उसको अच्छे से और रिवाइज करना चाहिए अगर उसके पास टाइम कॉन्स्टेंट है तो? सर मेरा ये मानना है कि जो आता है उसको इतना बेटर कर लो कि उसमें इतने मार्क्स अचीव कर लो कि जो छूटा हुआ है उसका कोई मतलब ही ना रह जाए। ओके। मैंने ये चीज़ अभी की थी CRI के पेपर में। हाँ हाँ हाँ। उसका वैल्यूएशन पार्ट मैंने स्ट्रॉन्ग किया अच्छे से उसकी। okay. क्योंकि मुझे पता था 30 मार्क्स के हैं और सिर्फ 2 चैप्टर्स थे। हाँ हाँ। तो मैंने उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया, और उसके बाद कुछ यूनिसेट्रल मॉडल लॉस जैसे चैप्टर्स थे जिसमें से 5 से 10 मार्क्स का हार्डली आता है, मैंने उस चैप्टर्स को छुआ भी नहीं था ऑनेस्टली। ना मैंने क्लास अटेंड की थी ना उसको एक बार भी रीड किया था। अच्छा, टेस्ट आप सारे अपियर करते थे जो एक्सेल में होते थे? यस। उसमें नेसेसरली आप टॉप करते थे कि कभी कभी मीडियम मार्क्स भी आते थे? कभी कभी मीडियम भी आए, कभी कभी टॉप भी किया, बट इसके बावजूद भी ऑल इंडिया रैंक 7 आ गया आपका। इसके अलावा ये एडवाइस भी दीजिए कि जिस दिन एग्जाम्स रहते हैं, जब आप तीनों मॉड्यूल एक साथ देते हैं, तो ये पूरे 8-9 पेपर का प्रेशर एक साथ, छुट्टी मिलती है आप लोगों को? नहीं, छुट्टी नहीं मिलती। तो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं एक दिन के अंदर? सर सबसे पहले तो एग्जाम स्टार्ट होने के 15-20 दिन पहले मैंने ये
डिसाइड कर लिया था कि कौन से चैप्टर्स कितने जल्दी हो सकते हैं और उससे कितने मार्क्स निकलने वाले हैं। ओके तो मैंने हर सब्जेक्ट का एक डायरी में ये लिख के रख लिया था। ओके तो नेक्स्ट डे जैसे एग्जाम दे के आई मैं शाम को, मैं खाना वाना खा के सबसे पहले ये देखती थी कि मुझे सबसे पहले 40 नंबर की तैयारी एक डेढ़ घंटे में कर लेनी है। ओके वेरी स्मार्ट। कुछ भी करके एक डेढ़ घंटे में 40 नंबर की तैयारी हो गई तो उसके बाद रात तक का समय रहता था। तो ये आपको अंदाज लगा हुआ रहता था क्या कि 40 नंबर कहाँ से आएंगे? सर तो पढ़ते पढ़ते पेपर्स को थोड़ा स्टडी किया। ओके हमेशा सेम नहीं होता पर एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। यस यस तो उस चीज को मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था क्योंकि अगर हम उसी दिन सोचेंगे कि क्या पढ़ूं तो ये सोचने में टाइम निकल जाता है। तो अच्छा जिस दिन पेपर खत्म होता है उस समय आकर तो आप इजी इजी चीजें निकाल लेते होंगे ना चुन चुन कर, और नेक्स्ट डे के लिए हार्ड चीजें या टेक्निकल चीजें रखते होंगे जो याद करने में थोड़ी कठिन होती होगी। हाँ सर। कभी कभी अगर किसी का कोई एक आध अटेम्प्ट रुक जाए तो आप अब कंपनी सेक्रेटरी बन गए हैं तो आपको क्या लगता है उनको कैसे अपने आप को समझाना चाहिए? सर मैं ये बोलूंगी कि कई लोगों के साथ लक फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत बार ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। ओके बट शायद उनका प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा होता है या वो एग्जाम में अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये हो जाता है। हाँ। तो मैं ये बोलती जिनका एक आध बार नहीं निकला है तो वो पढ़ चुके हैं हर चीज़ पहले से, तो उनको अब ये फोकस करना चाहिए कि वो 3 घंटे दिमाग को कैसे तेज चलाएं। ओके मैंने अपने कई फ्रेंड्स को एडवाइस किया है कि बहुत पढ़ लिया छोड़ो, दोपहर का 2 से 5 वाला ही टाइम लो और उस टाइम पेपर लिखो, पूरे 2 महीने तक सिर्फ लिखो। ओके ओके मतलब आप एक प्रकार से अपना मॉक टेस्ट रखते हैं ताकि मेंटल प्रिपरेशन हो सके। और आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट को मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए पेपर में। ये बात मैं इस बात से कंक्लूड करूंगा, कनक जेठानी हैज बीन आवर स्टूडेंट सिंस फाउंडेशन, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव फाइनल ऑल 3 स्टेजेस शी हैज लर्न फ्रॉम अस। इनकी एक क्वालिटी है जो कई बाकी स्टूडेंट्स में अलग से दिखती थी कि ये हमेशा मेंटली बहुत कूल रहती थी, चाहे कितना भी प्रेशर रहे कितना भी सब लोग रोते रहे इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो दैट हैप्पीनेस दैट सेलिब्रेशन ऑफ स्टडीज has brought her at this stage. तो मैं भी स्टूडेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि पढ़ाई को enjoy करके पढ़िए, प्रेशर लेने से आपका कुछ अचीव नहीं होगा, प्रेशर लेने से उल्टा जो तैयारी है उसमें नेगेटिव इफेक्ट आता है, ये बात को ध्यान रख के पढ़ना चाहिए। और भी कुछ भी किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है दे शुड फील फ्री टू कम्युनिकेट टू अस और कनक जेठानी ऑल्सो वाया एक्सेल। थैंक यू। थैंक यू।